Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Rugi College, University of Allahabad. And in the series of discussing various issues over secondary education in India, this time I am going to discuss the last topic of this unit, that is Vocational Education in India, Need and Constraints. And the lecture is useful as well as interesting and will be useful for your competitive teaching examinations as well as for your general understanding about secondary education as well. Okay, so let's start. हम बात करने जा रहे हैं किसकी? Vocational education in India, मतलब भारत में व्यावसायीकृत शिक्षा, या आप कह सकते हैं शिक्षा का व्यावसायीकरण. तो हम ये बात बहुत बार कर चुके हैं, कई बार ये बात आ चुकी है. एक मेरा पुराना वीडियो है, आप सुन सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया, जिसमें कि आप जानेंगे कि कब से ये बात की जा रही है कि द्वितीय स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जा रही है उसको व्यवसायीकृत कर दिया जाए, मतलब उसमें वोकेशनल एजुकेशन का इनपुट डाल दिया जाए, ताकि वो बच्चा जो सेकेंडरी एजुकेशन के बाद हायर एजुकेशन में नहीं जाता है, उसके पास कुछ ना कुछ कोई संसाधन हो, कोई कौशल हो, कोई अपने साथ वो कैपेबिलिटी हो जिससे कि वो किसी रोजगार में लिप्त हो सके और हम भारतवर्ष में बेरोजगारी का स्तर घटा सकें. मेन कंसर्न, मुद्दा, नीड इसकी यही है. तो वोकेशनल एजुकेशन है क्या? इट कैन बी डिफाइंड एज द एजुकेशन दैट इज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. ये वो उस तरीके की शिक्षा है जो कि व्यवसाय और रोजगार पर आधारित है. वोकेशनल एजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज करियर एंड टेक्निकल एजुकेशन. इसको CTE के नाम से भी जानते हैं, या मोस्ट पॉपुलरली इसको जानते हैं और टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग TVET, या सिर्फ VET के नाम से भी जानते हैं. तो वोकेशनल एजुकेशन इज रिलेटेड टू द एज ओल्ड अप्रेंटिसशिप सिस्टम ऑफ लर्निंग. सदियों पुराना जो अप्रेंटिसशिप सिस्टम चला आ रहा है लर्निंग में, उससे इसका लेना देना है. इट कंसिस्ट बेसिकली ऑफ प्रैक्टिकल कोर्सेज थ्रू विच वन गेन्स स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस डायरेक्टली लिंक्ड टू अ करियर इन फ्यूचर. और ये मेनली इसमें क्या होता है, कुछ प्रैक्टिकल कोर्सेज आपको सिखाए जाते हैं जिससे कि आप कोई कौशल और अनुभव ले सकें, जिससे कि लिंक्ड टू अ करियर इन फ्यूचर, जिससे कि भविष्य में किसी करियर से आप लिंक कर सकें ये स्किल और एक्सपीरियंस. ओके, फिर नीड क्या है इसकी? तो नीड पर अभी मैंने जो बात की वो भी इसकी नीड से ही लेना देना है इसका, कि देखिए आपने वो वीडियो अगर सुना होगा, लिंकेज बिटवीन सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, उसमें ये बात निकल कर आई थी कि हमारी जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो बायस्ड है. उसको प्री कंसीव नोशन है कि बच्चा हायर एजुकेशन में ही जाएगा, और इसलिए वो कोई उसको इनपुट, कोई मल्टीपर्पज स्कूल, कोई डाइवर्स जो स्टाइल्स हैं, डाइवर्स जो कैपेबिलिटीज हैं लर्नर का, उसको केटर नहीं करती है हमारी सेकेंडरी एजुकेशन. तो होता क्या है, बच्चे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है कि सेकेंडरी एजुकेशन के बाद, मतलब वो उसके पास यही एक ऑप्शन है कि वो हायर एजुकेशन में जाए. तो हर बच्चा हायर एजुकेशन में तो जाता नहीं, उसके कई कारण है, उसके फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कई बच्चों को सेकेंडरी एजुकेशन के बाद माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि उन्हें आगे पढ़ा सकें, और भी बहुत तरीके की हमारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बच्चे की हो सकती है. तो आपको पता है कि सिर्फ 25% था अभी कुछ साल पहले, और अब जाके कुछ बढ़ के 27% हमारा GER हायर एजुकेशन का हुआ है. मतलब हर 100 में से 27 बच्चा हायर एजुकेशन में जा रहा है, 73 बच्चा अपनी पढ़ाई छोड़ देता है. तो कितनी महती आवश्यकता है वोकेशनल एजुकेशन की, कि हम जब जानते हैं ये वस्तु स्थिति है, हम जब जानते हैं कि हम हर बच्चे को हायर एजुकेशन नहीं दे सकते बिकॉज हमारे पास ना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इतने टीचर्स हैं, ना इतना इंस्टीट्यूशंस हैं, ना ऑनलाइन एजुकेशन हमारे यहाँ इतनी पॉपुलर है, तो क्यों ना हम सेकेंडरी एजुकेशन को ही इतना मजबूत कर दें, इतना फ्लरिश कर दें, इतना उसमें ऑप्शंस दे दें कि हर बच्चा सेकेंडरी एजुकेशन प्राप्त करने के बाद भी अपने पैरों पर खड़े हो सकने में सक्षम हो. तो ये बात आज से नहीं समझी जा रही है. द इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक्नॉलेजेस द रोल ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स. यहाँ वोकेशनल होना चाहिए, एंड एक्नॉलेजेस द रोल ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स एंड स्पेसिफिकली वोकेशनल एजुकेशन. यानी कि भारतीय शिक्षा तंत्र ने, निकाय ने माना है कि हर स्तर पर शिक्षा का रोल है, और स्पेशली वोकेशनल एजुकेशन का. तो फ्रॉम दी वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले से बात की जा रही है, जबकि हम सिर्फ इंडियन कमीशन लें तो कोठारी कमीशन ने 1964 में से यूनेस्को की जो लर्निंग पे हुई थी, सम्मेलन हुआ था 2013 में से लेके जितने भी NPE बने हैं, NEP, NPE जिस भी नाम से आप जानिए,
1968 का, 1986 का, 2020 का, सबने कहा है कि वोकेशनल एजुकेशन पे हमको विशेष महत्व देना है। फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अगर आप वोकेशनल एजुकेशन का देखें कि कौन कौन सी जो संस्थाएं हैं, जो नियामक संस्थाएं हैं वोकेशनल एजुकेशन की भारतवर्ष में, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो क्या है, MHRD के नाम से जानी है, चाहे MOE के नाम से जानी है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, क्यों, क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन का लेना देना है वोकेशनल एजुकेशन से, इसलिए स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के डिपार्टमेंट को ये काम दिया गया है, रेस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग VET वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम और रोजगार मंत्रालय, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, है ना, ये सारी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो काम करती हैं वोकेशनल एजुकेशन के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं जैसे डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, प्राइवेट सेक्टर की बहुत सारी एजेंसीज, काउंसिल्स फॉर टेक्निकल एजुकेशन और कई सारे NGOs भी इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों हमारे यहाँ वोकेशनल एजुकेशन का इम्प्लीमेंटेशन इतना दिक्कत करता है, क्यों नहीं है, क्या समस्याएं हैं। तो सबसे पहली और फॉरमोस्ट जो प्रॉब्लम आपको समझ में आएगी वो है देयर इज ए हाई ड्रॉप आउट रेट एट सेकेंडरी लेवल, बहुत ज्यादा बच्चे सेकेंडरी लेवल पर पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो आप उनको कैसे, आपके लिए जो टारगेट ग्रुप है वही आपको नहीं मिलेगा तो आप पढ़ाएंगे किसको। प्राइवेट एंड इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन इज लैकिंग, देखिए ये कई सारे पॉइंट्स हैं तो हो सकता है कि एक आध पॉइंट कोई रिपीटेटिव हो तो आप उसको जाने दीजिएगा। प्राइवेट एंड इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन इज लैकिंग मतलब कि जो इंडस्ट्री है जिसके लिए हमको बच्चे को तैयार करना है, स्टूडेंट को तैयार करना है, उसमें कोई सहभागिता नहीं है। लेस नंबर ऑफ वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री, देश में अभी भी बहुत कम संख्या में इस तरीके के इंस्टीट्यूट होते हैं। नो इनएडिक्वेट नंबर ऑफ ट्रेन्ड फैकल्टी, और जो है भी वहाँ पे अपर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित जो है वो अध्यापक है, शिक्षक है। वोकेशनलाइजेशन एट ऑल लेवल्स हैज नॉट बीन सक्सेसफुल, हर लेवल पे हम वोकेशनलाइजेशन को सफलतापूर्वक नहीं अभी तक कर पाए हैं। लैकिंग ऑफ न्यू सेक्टर्स ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल्स ट्रेनिंग, बहुत सारे नए एवेन्यूज आ गए हैं वो सब हम लैक करते हैं, अभी भी हम कुछ जहाँ चलता भी है वहाँ पारंपरिक स्तर का वोकेशनल एजुकेशन ही चलता है। एक्यूट शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड इंस्ट्रक्टर्स एंड टीचर्स इन द कंट्री, देश में जो कौशल पूर्ण जिनके पास कौशल है ऐसे इंस्ट्रक्टर और टीचर बहुत कम है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर कंटिन्यूअस स्किल अपग्रेडेशन, जो स्किल कोर्सेज होते हैं उनको कंटिन्यूअसली अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है तो इसकी अवसर भी कम है देश में। एब्सेंस ऑफ मॉनिटरिंग कमेटी, कोई ऐसी कमेटी नहीं है जो मॉनिटर कर सके और बता सके और रेगुलेशन कर सके इन सब चीजों के लिए। हाई डिमांड सप्लाई स्किल गैप, हम जो सप्लाई कर रहे हैं इंडस्ट्री को और इंडस्ट्री को जो डिमांड है उसमें स्किल गैप है, कौशल का अंतर मालूम पड़ता है, इसीलिए बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है, वो नहीं उसमें इन्वॉल्व हो पाते हैं क्योंकि इंडस्ट्री को जो चाहिए वो हम बना नहीं रहे। Most of the vocational education training institutes are characterized by structurally rigid and outdated centralized syllabi that do not have much sync with the prevailing market conditions. मार्केट की दशा है, जो रोजगार का जो मार्केट है उसमें जो हमको चाहिए वैसा हमारा सिलेबाई नहीं है, वो आउटडेटेड है, रिजिड है, तो ये सारी दिक्कतें हैं। और शॉर्टेज ऑफ VET इंस्टीट्यूशंस, इसकी बात हो गई, लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड करिकुलम है, करिकुलम, द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द पीपल, पुअर परसेप्शन एंड पब्लिक माइंडसेट, लोग को लगता है कि सिर्फ पढ़ लिख कर मतलब हायर एजुकेशन में ही जाना है, बच्चे को हमको किसी कौशल या स्किल को नहीं सिखाना है, तो ये माइंडसेट और परसेप्शन की भी दिक्कत है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की दिक्कत है, जनरली इन इंस्टीट्यूट्स में इंग्लिश में पढ़ाई होती है तो वो बच्चा दिक्कत महसूस करता है, जिस जो क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञाता है, जो जो जिसको इंग्लिश ज़्यादा नहीं समझ में आती है। इनसफिशियंट प्रैक्टिकल एक्सपोजर, अगर आप उसमें एडमिशन ले भी लें तो आपको एक्सपोजर नहीं मिलता है। शॉर्टेज ऑफ कंटिन्यूअस एजुकेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग गवर्नमेंट एजेंसीज एंड रेगुलेटरी बॉडीज, जो गवर्नमेंट एजेंसी है जो इस तरीके की शिक्षा दे रही है और जो रेगुलेटरी बॉडी है किसी में कोई समन्वय नहीं है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ रेगुलेशन सर्टिफिकेशन इन करिकुलम, बहुत तरीके के रेगुलेटरी बॉडीज हैं, कोई एक बॉडी नहीं है जो सर्टिफाई करे, रेगुलेट करे। डिमांड सप्लाई मिसमैच की बात हो गई, इनएडिक्वेट एकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेज की बात हो गई, लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो विद्यालय जो संस्थान हैं भी उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। देखिए एक क्लासरूम में आप थ्योरी पढ़ा सकते हैं पर प्रैक्टिकल पढ़ाने के लिए आपको जगह चाहिए, आपको उस हिसाब से सारा सेटअप चाहिए, तो ये सब खर्चीला होता है। लैक ऑफ ऑटोनॉमी, तो इतनी सारी दिक्कतें हैं वोकेशनल एजुकेशन के इम्प्लीमेंटेशन में, तो क्या करें, कुछ सॉल्यूशंस भी हैं।
क्या कर सकते हैं हम, रीजुविनेटिंग वोकेशनल एजुकेशन एट स्कूल लेवल. बहुत जरूरी है कि हम विद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को रिजुविनेट करें. कैसे रिजुविनेट कर सकते हैं? इंट्रोड्यूसिंग रेलेवेंट करिकुलम, जो आज के समय के लिए जरूरी है वैसा करिकुलम इंट्रोड्यूस करें. इंगेजिंग क्वालिटी टीचर्स, उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हम भर्ती करें. फिर इम्प्रूव पब्लिक परसेप्शन ऑफ वीईटी, इस तरीके के ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएं जिसमें जनता का परसेप्शन वीईटी के लिए बदले, वो जाने कि वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग भी एक कायदे का कोर्स है, कराया जाना चाहिए बच्चों को. कोलैबोरेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए. प्रॉपर फंडिंग कीजिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस की. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गुड रिलेशनशिप विद इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री है वहां से रिलेशनशिप बढ़िया हो, जो संस्थान हैं जो इस तरीके की ट्रेनिंग दे रहे हैं. ब्रिंगिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अंडर वन रूफ, एक रेगुलेटरी बॉडी, एक नियामक, एक छत के नीचे ये सारे प्रोग्राम चलाए जाएं. रीविजिटिंग द अप्रेंटिसशिप ऐप एक्ट, अभी तक 1961 का अप्रेंटिसशिप एक्ट चला आ रहा है, उसको रीविजिट कीजिए, उसमें जो संशोधन है वो करने की आवश्यकता है. अपग्रेडिंग एंड एक्सपेंडिंग ऑफ द क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ वीईटी सिस्टम, हम कैसे पूरी तरह से ओवरहॉलिंग कर सकते हैं, इसकी सुधार सकते हैं. इंट्रोड्यूसिंग मल्टी स्किलिंग पैटर्न इन वीईटी, करिकुला अपडेट कीजिए, सॉफ्ट स्किल इन्हेंस करिए, क्योंकि सॉफ्ट स्किल की बहुत बात की जा रही है आजकल. टीचर और ट्रेनर की क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए, फाइनेंशियल सपोर्ट दीजिए. इसके अलावा प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल ट्रेनिंग, ये जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो एक्सेसिबल होनी चाहिए, बच्चे तक उसकी पहुंच हो, अफोर्डेबल हो, बहुत महंगी ना हो. एंश्योरिंग ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू मार्केट, जो मार्केट है जिसके लिए आप बच्चे को तैयार कर रहे हैं उसके हिसाब से ट्रेनिंग दीजिए, ताकि बच्चा जैसे ही इंस्टीट्यूशन से निकले उसको रोजगार मिल जाए, तभी तो वो मोटिवेट होगा ये सब सीखने के लिए. और सपोर्ट सर्विसेज आफ्टर ट्रेनिंग, इवन आफ्टर ट्रेनिंग के मतलब ट्रेनिंग के बाद भी बच्चे को सपोर्ट सर्विस की जरूरत पड़ती है, वो सब प्रदान किए जाने चाहिए. आई हैव कवर्ड दिस वन टू. अच्छा एक और है, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन की जरूरत है कि हम मॉनिटर करें, इवेल्युएट करें. इस्टेब्लिशिंग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इंट्रोड्यूसिंग लोकल मार्केट बेस्ड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, ना बहुत सारी चीजें हैं. ब्रिजिंग द गैप बिटवीन वीईटी इन हायर एजुकेशन, एक सेंट्रल बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन CBVE एंड SBVE बना लीजिए, बना लिया जाए, जिससे एक्रीडिटेशन, एफिलिएशन, एग्जामिनेशन, सर्टिफिकेशन सारे प्रोग्राम हो सके, है ना. और कमेटी बनाई जाए, मतलब इतना सब कुछ है, क्योंकि मॉनिटर करना है, इवेलुएशन करना है, अपडेटेड करिकुला को रेलेवेंट बनाना है, बढ़िया टीचर लाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना है, फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग सुधारनी है. तो सबको पता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशंस भी हमारे सामने हैं, पॉलिसी मेकर समझ भी रहे हैं अब इस बात को. तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्द निकट भविष्य में हमारी जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो वोकेशनलाइज्ड हो जाएगी. तो बहुत 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 हमारे यूथ को ये फायदा देगी, और वो हायर एजुकेशन का बर्डन कम होगा, और रोजगार सबको मिलेगा, और बेरोजगारी की दशा में सुधार आएगा, तो निश्चित रूप से जीडीपी बढ़िया होगी देश की, है ना. तो अच्छी चीज़ है ये. सो इन दिस वे आई हैव कवर्ड सेकेंडरी एजुकेशन इन टोटैलिटी, आई हैव कवर्ड प्राइमरी एजुकेशन, आई हैव कवर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, इट मीन्स टू यूनिट्स हैव बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली. ओके, सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड दिस वेरी मच टॉपिक टू. थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. आई हैव डन फ्रॉम माई साइड.